दोस्तों, आज की हमारी ये शानदार कहानी एक ऐसे परिवार से रूबरू करवाती है जो अपनी गरीबी से निकलकर अमीरी के सपने सजाना चाहते थे, मगर अपने इस सपने को सच करने के लिए वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। और ये सब कुछ कैसे होता है, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। मूवी का नाम है पैरासाइट, डायरेक्टर है बोंग जून हो और IMDb रेटिंग है 8.6 और ये ऑस्कर के साथ 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीत चुकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जिसमें 4 लोग होते हैं। परिवार का मुखिया किम, उनकी बीवी जूंग सूक, बेटा की वू और बेटी की जूंग, ये बेहद गरीब परिवार होता है जो एक फैक्ट्री की बेसमेंट में कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे होते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए बेहद ही मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग मिलकर पिज्जा के बॉक्स बनाया करते थे, मगर दोस्तों आज के जमाने में सिर्फ पिज्जा बॉक्स बनाने से कहां ही गुजारा होने वाला था। बस इनके लिए ये काम तो 2 वक्त की रोजी रोटी का सहारा था। एक दिन हम देखते हैं कि कीवू का पुराना दोस्त उसके घर आता है जो उसके साथ उसे देने के लिए एक पत्थर भी लेकर आता है। वो कीवू को बताता है कि जिसके पास ये पत्थर होता है उसकी किस्मत चमक जाती है। भारतीय भाषा में समझाया जाए तो ये कोई पारस पत्थर जैसा था। कीवू अपने दोस्त से अपनी गरीबी का रोना रोता रहता है और उसे बताता है कि उसका पूरा परिवार काफी बुरे दौर से गुजर रहा है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा है और एक काफी अमीर घर की लड़की को वो ट्यूशन पढ़ाया करता था। अब मैं तो रहूंगा नहीं, तो तुम चाहो तो इसे पढ़ा सकते हो, इससे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही हो जाएगी। कीवू के लिए तो ये सुनहरा मौका था, मानो वो पत्थर काम करने लगा हो। लेकिन यूनिवर्सिटी छोड़े उसे काफी दिन हो गए थे, इसलिए उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी और बिना अच्छी क्वालिफिकेशन के आखिर कौन अपनी बच्ची का भविष्य उसके हाथ में देगा। जिस पर उसका दोस्त कीवू से कहता है कि क्यों ना तुम अपनी जुगाड़ू बहन से कहकर किसी भी यूनिवर्सिटी का एक फेक सर्टिफिकेट बनवा लो, बाकी की सिफारिश मैं कर दूंगा। बस फिर क्या था, कीजुंग अपनी कारीगरी का इस्तेमाल करके अपने भाई के लिए एक जाली डिग्री बना देती है और वो डिग्री लेकर कीवू अपने दोस्त के बताए पते पर पहुंच जाता है। घर को देखकर कीवू हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि जितना बड़ा उसका पूरा बेसमेंट था उतना तो उनके घर का टॉयलेट बना हुआ था। उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। यहाँ आपको बता दें कि ये घर शहर के मशहूर पार्क फैमिली का होता है, जिनके यहाँ कीवू के परिवार की तरह 4 लोग होते हैं। इस परिवार में मिस्टर पार्क, उनकी पत्नी मिसेस पार्क, बेटी डा हाई और छोटा बेटा डा सोंग होते हैं। कीवू का काम मिस्टर पार्क की बड़ी बेटी डा हाई को ट्यूशन पढ़ाने का होता है और ये काम कीवू शानदार ढंग से करता है, जिससे इम्प्रेस होकर डा हाई की मदर उसे काम पर रख लेती है। यहीं पर कीवू को डा हाई का छोटा भाई डा सोंग दिखाई देता है, जिसे पेंटिंग का काफी शौक होता है, मगर उसके लिए कोई अच्छी पेंटिंग टीचर नहीं मिल रही होती। मिसेस पार्क कीवू को बातों ही बातों में बताती है कि उनके बेटे के लिए उन्होंने कई महीनों में ना जाने कितने आर्ट टीचर्स बदल दिए, लेकिन कोई भी टिक नहीं सका और सबके सब एक महीने में ही भाग गए। इस पर कीवू अपना दिमाग दौड़ाते हुए सोचता है कि अगर वो अपनी बहन कीजुंग को भी यहीं पर बतौर आर्ट टीचर सेट कर दे तो उनके घर में चांदी चांदी हो जाएगी। ऐसे में वो मिसेस पार्क से कहता है कि वो किसी लड़की को जानता है जिसने पेंटिंग से मास्टर किया हुआ है। अगले दिन कीवू अपनी बहन कीजुंग को जेसिका बनाकर उनके घर पर पेश करता है ताकि किसी को इस बात की भनक ना लग सके कि वो दोनों भाई बहन हैं। कमाल की बात तो ये थी कि कीजुंग यानी जेसिका इस मामले में अपने भाई से 2 कदम आगे निकलती है। वो मिसेस पार्क को बताती है कि वो न केवल एक आर्ट टीचर है बल्कि आर्ट थेरेपिस्ट भी है और मिसेस पार्क पर अपनी बातों का ऐसा जादू बिखेरती है कि उन्होंने उसे तुरंत ही नौकरी पर रख लिया। ये समझिए, दोनों भाई बहनों का जुगाड़ यहाँ पूरी तरह से फिट बैठ चुका था। दोनों भाई बहन अब इस घर में पढ़ाने लगे थे। आज जेसिका की पहली क्लास होती है तभी वहाँ मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं और काफी रात होने की वजह से वो ड्राइवर को जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए कहते हैं। ड्राइवर जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, मगर उस बेचारे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जेसिका को अपनी कार में बैठाना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। दरअसल ज्यादा रात होने पर मिस्टर पार्क का ड्राइवर कीजुंग को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तभी कीजुंग अपनी पैंटी निकालकर गाड़ी में छोड़ देती है ताकि वो पेंटी मिस्टर पार्क के हाथ लग जाए और उन्हें लगे कि उनका ड्राइवर गाड़ी में उल्टे सीधे काम करता है, जिससे वो ड्राइवर को नौकरी से निकाल दे और वो उसके डैड को वो ड्राइवर की जॉब दिलवा दे। पहले तो मिस्टर पार्क को लगता है कि उनके ड्राइवर और जेसिका के बीच कोई चक्कर चल रहा है और जब वो ये बात मिसेस पार्क से कहते हैं तो वो मोहतरमा जेसिका से ही पूछ लेती है, जिस पर जेसिका उन्हें बताती है कि मैडम
मैं तो उस दिन मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। अब इसके बाद ड्राइवर कहाँ गया और उसने क्या किया, मैं कुछ नहीं जानती। मिसेस पार्क, जो पहले से ही जेसिका की बातों पर फिदा रहती थी, उन्हें वो सच लगने लगा और मिस्टर पार्क से ड्राइवर को नौकरी से निकालने के लिए कह दिया। बस फिर क्या था, जेसिका का प्लान काम कर जाता है और मिस्टर किम यानी अपने पिता को अपने अंकल का ड्राइवर बताकर उन्हें ड्राइवर की नौकरी पर लगा देती है। अब पिता, बेटा और बेटी ये तीनों एक ही घर में नौकरी कर रहे थे और कुछ इस तरह अपने काम में मग्न थे कि उनके मालिक को बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी कि ये तीनों के तीनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इधर कीवू और डाहाई के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कीवू की जिंदगी में खुशियों की बहार आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि प्यार का पेट कभी नहीं भरता। बस कुछ ऐसा ही हाल इस परिवार के साथ भी था। बेरोजगारी से घर में लगे तीन तीन लोगों की एक अच्छी खासी नौकरी थी, पर अभी भी ये संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनकी माँ चूंक शूक अभी भी घर में खाली बैठी थी। इसलिए वो घर की मेड को निकालकर अपनी मॉम को नौकरी पर लगवाने का आइडिया सोचते हैं। लेकिन मित्रों, ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उनके घर की ये केयर टेकर बेहद ही पुरानी थी और मालकिन उसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। वो मेड काफी सालों से उस घर में काम कर रही थी, यहाँ तक कि इस घर के पुराने मालिकों की भी वही मेड थी। ऐसे में एक दिन कीवू को डाहाई से मालूम पड़ता है कि उसके घर में पीच फ्रूट यानी कि आड़ू नहीं रखा जाता क्योंकि उनकी मेड को उससे एलर्जी थी। बस यही तो कीवू चाहता था, घर की नौकरानी की कोई एक कमजोरी जो कि उसे मिल गई थी। वो लोग प्लान बनाते हैं और नौकरानी पर पीच फ्रूट गिराते हैं जिससे उसे अचानक जोर जोर से खुजलियां होने लगती हैं और वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में किम पहले से मौजूद था और वो जानबूझकर नौकरानी के साथ एक सेल्फी लेता है। ये सेल्फी किम मिसेस पार्क को दिखाता है और कहता है कि वो अपने किसी काम से अस्पताल गया होता है, मगर तभी उसने नौकरानी की बातें सुनी जो कि काफी शॉकिंग थी। दरअसल मालकिन नौकरानी को टीवी है, मगर मिसेस पार्क उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और हंसकर बात को टाल देती है। मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही किम मिसेस पार्क के साथ घर पहुंचता है तो वो अपनी बेटी कीजुंग को पहले से ही मैसेज कर देता है, जिसके बाद मौका पाकर कीजुंग नौकरानी पर पीच फ्रूट गिरा देती है। पीच फ्रूट के पड़ते ही नौकरानी मछली की तरह तड़पने लगती है और उसे इतनी खुजली होने लगती है कि वो खांसने लगती है और खांसते खांसते नैपकिन डस्टबिन में फेंक देती है। तभी किम उसके ऊपर टोमेटो सॉस गिराकर मिसेस पार्क को दिखाता है ताकि मिसेस पार्क को विश्वास हो जाए कि वाकई नौकरानी को टीबी है। वेल, होता भी कुछ ऐसा ही है। उस टोमेटो सॉस से लाल हुई नैपकिन को खून समझकर मिसेस पार्क के होश उड़ जाते हैं, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनकी नौकरानी उनसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीवू का शातिर परिवार एक और हंसते खेलते व्यक्ति के पेट पर लात मार देता है और मैडम नौकरानी को घर से बाहर निकाल देती है। एक झूठी नींव पर खड़ी कीवू के झूठे परिवार की ये आखिरी कोशिश भी कामयाब हो जाती है और वो लोग बड़ी ही चालाकी से चू शूंग को बतौर नौकरानी उस घर में शामिल कर लेते हैं। अब ये पूरा परिवार एक ही परिवार के लिए काम करने लगता है और किसी को शक भी नहीं होता है। और शक होता भी कैसे, सबके नाम जो बदले हुए थे। जहाँ कुछ वक्त पहले इन लोगों के पास काम करने के लिए सिर्फ पिज्जा के डिब्बे थे, वो आज आलीशान घर में बैठकर एयर कंडीशन में न केवल पिज्जा खा रहे हैं बल्कि भरपूर पैसा भी कमा रहे हैं। इतना पैसा कि उनकी जिंदगी आराम से बीत रही है। कई दिन बीत जाते हैं और ऐसे में एक दिन पार्क परिवार के सबसे छोटे बेटे दासोंग का बर्थडे आता है और पार्क फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए कैंपिंग पर निकल पड़ती है। पूरा घर खाली होता है और उसकी जिम्मेदारी चू शूंग के हवाले होती है। पार्क परिवार के जाने के थोड़ी ही देर बाद चू शूंग अपने परिवार के सभी सदस्यों को घर पर बुला लेती है और सभी मौज मस्ती करते हुए पार्टी करते हैं। कोई महारानी की तरह बाथरूम में नहा रहा था तो कोई लाजवाब व्यंजनों का मजा ले रहा था। इसी बीच गेट की बेल बजती है और उन्हें बाहर वही नौकरानी दिखाई देती है जिसको टीबी का बहाना बनाकर उन्होंने घर से निकलवाया था। वो अपना कुछ छूटा हुआ सामान वापस लेने के लिए आई थी। चू शूंग दरवाजा खोल देती है जिसके बाद वो नौकरानी नीचे बेसमेंट में आ जाती है, लेकिन सामान लेने में उसे काफी टाइम लग जाता है। ज्यादा देर होने पर चूशुंग बेसमेंट में उसे देखने जाती है तो वो देखती है कि वो नौकरानी एक कबाड़ के ऊपर चढ़कर उसे हटाने की कोशिश कर रही है, मगर वो इसमें फंस चुकी थी। तभी चूंग छूक उस कपाट को पीछे कर देती है और अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। ये देखकर चूंग छूक दंग रह जाती है। उसी तहखाने के अंदर उसी नौकरानी का पति बंद था जिसे वो खाना खिलाने आई थी, लेकिन बदकिस्मती से अब उसका राज चूंग छूक के सामने खुल चुका था। इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसके पति को यहीं रहने दे और इसके बदले वो उसे पैसे भी देगी, बस वो उसे दो टाइम का खाना दे दिया करे।
असल में दोस्तों ये तहखाना बेहद ही पुराना था और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसे घर के पुराने मालिकों और नौकरानी को ही पता था, जिसके बाद नौकरानी ने पार्क फैमिली को इसका राज नहीं बताया और उसने अपने पति को यहाँ इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्ज था और बाहर कई लोग उसे ढूंढ रहे थे। ऐसे में उसके पति का बाहर जाना कहीं से भी सही नहीं था, इसलिए वो चूंक चूक से अपने पति के लिए मदद की गुहार लगाती है मगर चूंक चूक नहीं मानती और पुलिस को बुलाने की बात कहती है। ये सब ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी चूंक चूक का परिवार वहाँ आकर चुपके से ये सब सुन लेता है। अब सभी सीढ़ियों के पीछे खड़े थे कि अचानक किम का पैर फिसल जाता है, जिससे वो सभी लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते नीचे आ जाते हैं। नौकरानी ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। वो ये भी रिकॉर्ड कर लेती है कि वो किम को पापा कहता है, जिससे नौकरानी को समझते देर नहीं लगती कि ये सब गोलमाल इसी परिवार ने किया है। वो वीडियो रिकॉर्ड करके चूंक चूक के परिवार को धमकाने लगती है कि वो ये वीडियो मालकिन को भेज देगी, मगर तभी किम जोर से चिल्लाते हुए नौकरानी से विनती करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करना। ये बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। जहां कुछ देर पहले नौकरानी चूंक चूक के पैरों पर गिरी थी, वहीं अब उल्टा किम उसी नौकरानी के पैरों में गिरकर विनती करता है। वो औरत अब अपने पति को लेकर ऊपर आ जाती है और उन चारों को किनारे खड़े होने के लिए कहती है, जिसके बाद उन चारों की वीडियो बना लेती है। साथ ही उस टेबल की भी वीडियो बना लेती है जहां पर कुछ देर पहले ये पूरा परिवार अय्याशी कर रहा था। इसी बीच अचानक किम की फैमिली उन पर अटैक कर देती है और मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर देते हैं और उन सभी के बीच खींचातानी चल रही होती है। तभी घर का टेलीफोन बजता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि मालकिन मिसेस पार्क का था, जो चूशुंग को बताती है कि बाहर मौसम खराब होने की वजह से उनका पिकनिक का आइडिया कैंसिल हो गया है और वो 8 मिनट के अंदर घर में पहुंचने वाले हैं। इस बीच कुछ अच्छा सा खाना बनाकर रख दो। अब ये सुनते ही किम की फैमिली फटाफट घर साफ करने लगती है। चूशुंग खाना बनाने लगती है और उस नौकरानी और उसके पति को वापस वहीं बेसमेंट में ले जाकर बांध देते हैं। ऐसे में नौकरानी एक बार वहां से बाहर आने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी चूशुंग लात मारकर उसे फिर से अंदर कर देती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए वापस नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वहाँ पार्क फैमिली आ जाती है और किम का पूरा परिवार वहीं बेंच के नीचे छुप जाता है। घर पूरा का पूरा साफ हो चुका था। पार्क परिवार को भनक भी नहीं लग रही थी कि उनके आने से पहले वहाँ पर क्या हालत थी। खाना बनाते वक्त मिसेस पार्क चूशुंग को बताती है कि इस घर में एक भूत रहता है और उनके बेटे ने एक रात फ्रिज से उसे कुछ चुराते हुए देख लिया था। लेकिन दोस्तों असल में वो भूत नहीं बल्कि पुरानी नौकरानी का वही पति था जो बेसमेंट से ऊपर खाना खाने के लिए आया था। अब सब कमरे में सोने जा रहे थे, तभी बर्थडे बॉय डासोंग घर की गार्डन में टेंट लगाकर सोने की जिद करता है। अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को अकेला तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए मिस्टर और मिसेस पार्क गार्डन के सामने वाले हॉल की बेंच के ऊपर ही पूरी रात बिताने का फैसला करते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि इसी बेंच के नीचे चूशुंग का पूरा परिवार छुपा हुआ था और वो उन दोनों मियाँ बीबी की बातें सुन भी रहे थे। इस दौरान जब मिस्टर और मिसेस पार्क बात कर रहे होते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी बॉडी की बदबू से वो लोग काफी परेशान थे। असल में दोस्तों जिस घर में चूशुंग का परिवार रहता था वो पूरी तरह से बंद था और उसमें सीलन भी थी। साथ ही साथ उनके अगल बगल के लोग वहाँ टॉयलेट करके भी जाते थे, जिसके कारण उनके पूरे परिवार के बदन से बेहद ही गंदी बदबू आती है। ये सब सुनकर कीवू और उसके परिवार को काफी बुरा लगता है। हालांकि इसके बाद वो लोग अपना डियो यहाँ तक कि साबुन तक बदल देते हैं, लेकिन चाहकर भी वो उस बदबू को नहीं भगा पाए क्योंकि वो बदबू उनके शरीर की नहीं बल्कि उनके उस एटमॉस्फेयर की थी जहाँ पर वो रहा करते थे। अब सबके सोने के बाद किम का परिवार वहाँ से भागकर जब बाहर जाता है तो बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और उनका घर पानी में भर चुका होता है, इसलिए वो अपना जरूरी सामान लेकर एक शेल्टर में रात गुजारते हैं। अगली सुबह दासों की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें कीवू और कीजुंग इनवाइटेड होते हैं क्योंकि वो उनके बच्चों के टीचर्स थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस पार्क को, जो अपने बेटे के बर्थडे का कुछ सामान लेने के लिए ड्राइवर किम के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जाती है और जब वो वापस आ ही रही होती है तभी उन्हें किम के शरीर से आ रही बदबू महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अपनी नाक पर उंगली रखकर कार की खिड़की खोल देती है। ये देखकर किम को काफी बुरा लगता है, मगर वो बेचारा कर भी क्या सकता था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिलहाल यहाँ गलती उसकी मालकिन की भी नहीं थी, वो एक अच्छी औरत थी। मगर दोस्तों एक गंदी बदबू आखिर किसे बर्दाश्त होती है। पार्टी में काफी लोग शुमार होते हैं, यहाँ तक कि कीवू डी हाई के साथ कुछ पल गुजार रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जो नीचे यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। डी हाई उसे कहती है हाँ,
तुम बिल्कुल उन्हीं लोगों में से एक हो, लेकिन कीवू जानता है कि उसकी औकात क्या है। वो अच्छे से जानता है कि जब बेसमेंट में फंसे हुए लोग बाहर निकलेंगे और उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। वो मायूस होकर अपने बैग से वही पत्थर निकालता है जिसे उसके दोस्त ने दिया हुआ था। जी हाँ, वही पत्थर जिसे कोरियन बहुत ही पवित्र मानते हैं। वो पत्थर लेकर कीवू घर के बेसमेंट में नौकरानी और उसके पति को मारने जाता है, मगर सिर पर चोट लगने की वजह से नौकरानी एक रात पहले ही मर चुकी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि दोस्तों, जब पिछली रात पार्क परिवार घर में दाखिल हो रहा था, तभी कीजुंग पुरानी नौकरानी को नीचे लेकर जा रही थी, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है और सीढ़ियों से चलकर अपने मालिक के पास जा रही थी। तभी चू शुंग ऊपर से उसे एक लात मार देती है जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये बात उसके परिवार को नहीं पता होती, मगर कीवू अपने परिवार का राज दफन करने के लिए बेसमेंट में इसी पत्थर से उन दोनों को मारने के इरादे से जाता है ताकि उसके परिवार की ये शांति बनी रहे। बेसमेंट में ज्यादा अंधेरे होने की वजह से कीवू से उसका वो पत्थर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नौकरानी का पति अपने आप को छुड़ा चुका था और जैसे ही कीवू वहां पहुंचता है वो उसे फंदे से लटका देता है और फिर उसको पत्थर से मारने की कोशिश करता है। हालांकि पहली बार में तो कीवू खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल नौकरानी का पति उसे पत्थर से लहूलुहान कर देता है। इसके बाद वो किचन से चाकू उठाता है और सीधा बाहर पार्टी में चला जाता है, जहां कीजुंग केक लेकर आ रही होती है। वो आदमी कीजुंग को पहचान लेता है और सीधे जाकर चाकू कीजुंग को भोंक देता है और वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाती है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर किम उसके जख्म को दबाते हैं ताकि उसका खून रुका रहे, मगर काफी देर हो चुकी होती है। उधर चूशुंग अपनी बेटी के खूनी को जान से मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ती है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है जिसमें चूशुंग अपनी बेटी की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाती है। वहीं जिंदगी में पहली बार खून देख रहा दासोंग वहीं बेहोश हो जाता है, जिस पर मिस्टर पार्क किम से उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं, मगर वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए किम कार की चाबी मिस्टर पार्क की तरफ उठाकर फेंक देता है, मगर वो जाकर नौकरानी के उस पति पर गिर जाती है जिसे अभी अभी चूशुंग ने मार गिराया था। मिस्टर पार्क जब उसके शरीर से चाबी उठा रहे थे तभी उसे वही बदबू महसूस होती है जो कि किम के परिवार से आती है और वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। ये सब देख रहे किम को काफी गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में मिस्टर पार्क को चाकू से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जी हाँ, किम गुस्से में इसलिए ऐसा करता है क्योंकि जहाँ उसकी बेटी धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी वहीं वो उसी वक्त गाड़ी की चाबी मांग रहा था, वो भी अपने बेटे के बेहोश होने पर। उसे उसकी मरती बेटी का कोई ख्याल नहीं आया, जिसकी वजह से किम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसका सब्र का बांध टूट गया। बेचारी कीजुंग अब मर चुकी थी और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से कीवू पूरे तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। साथ ही साथ इन दोनों माँ बेटे के ऊपर कोर्ट में केस चलता है, मगर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती बल्कि चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। वहीं जिस घर में ये पूरा कांड हुआ उसे अब पार्क फैमिली बेचकर कहीं दूसरी जगह चली गई होती है। अब ये घर किसी जर्मन फैमिली का होता है जिसे घर की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर एक खुफिया बेसमेंट है जहाँ पर कोई छुपा हुआ है। वेल, किम की तलाश में थक हार कर पुलिस भी अब उसे ढूंढना छोड़ देती है। किम बेसमेंट में छुपकर मोर्स कोड के जरिए रोजाना एक तय समय पर लाइट को सिग्नल के तौर पर जलाता और बुझाता था, जिसे कुछ दिनों बाद डिकोड करके कीवू समझ जाता है कि उसके पिता इस बेसमेंट में हैं, जो घर का सामान चोरी करके जी रहे हैं। किम को वाकई बहुत ही बुरे दिनों से गुजरना पड़ रहा था। उसे इस बात का भी गम था कि उसने मिस्टर पार्क की जान ली। फिर कीवू की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने पिता से कह रहा होता है कि वो एक दिन इतने ढेर सारे पैसे कमाएगा कि उसी घर को खरीद लेगा और अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देगा। वेल, एक दिन ऐसा होता भी है कि कीवू वो घर खरीद लेता है और अपने पापा को उस बेसमेंट से छुड़ाकर उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी दे देता है। मगर दोस्तों, इसके चंद ही सेकंड्स बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सपना था। वो तो आज भी अपनी माँ के साथ इसी बेसमेंट में रह रहा है जहाँ वो पहले अपने परिवार के साथ रहा करता था, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अब आपसे होगी मुलाकात एक और शानदार फिल्म के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।